सीएम शिवराज ने केंद्र से आई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम से मुलाकात कर प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान शिवराज ने बताया कि अतिवृष्टि में करीब 17 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से फसलों के नुकसान की जानकारी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम को दी है। सेंट्रल टीम को बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों की भी जानकारी दी गई है। इसके बाद ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अतिवृष्टि और बाढ़ के दौरान किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि शासन द्वारा SDERF, होमगार्ड, NDRF, आर्मी द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन में 13,344 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के दौरान उज्जैन, देवास, इंदौर, खरगोन, खंडवा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, निवाड़ी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी से कुल 22,546 लोग निकाले गए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश में कुल 231 राहत शिविर स्थापित किए गए। अगस्त माह में अतिवृष्टि और बाढ़ से 24 जिलों में लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान का आंकलन हुआ है और इससे करीब 17 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय टीम से कहा कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। बाढ़ में नुकसान बहुत हुआ है, लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। आज केंद्रीय दल भारत सरकार का मध्य प्रदेश के दौरे पर आया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को भारी तबाही हुई है, मकान ढह गए हैं, कई गांव पूरी तरह से डूब गए थे, सामान का नुकसान हुआ है। जनहानि हमने नहीं होने दी, लेकिन बाकी नुकसान तो हुआ ही है, कई जगह पशु हानि भी हुई है, सड़कें खराब हो गई है, टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एक प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान कुल मिलाकर हुआ है। ये और बढ़ सकता है क्योंकि सर्वे का काम अभी चल रहा है। राजस्व के अमले को हमने निर्देश दिया है, जहाँ किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वहाँ सर्वे का काम करें। फसल बीमा योजना भी हमने करवाया है और क्षति के आकलन के आधार पर किसानों को राहत की राशि भी देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।